अक्सर देखने को मिलता है कि सरकारें सरकारी अधिकारियों का अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर कर देती हैं, जिस वजह से सरकारी अधिकारी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नई जगह पर जाना और वहां ड्यूटी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन करे भी तो क्या करे, सरकारी नौकरी है और सरकार का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनते ही आप दांतों तले उंगली दबा लोगे। दरअसल यूपी के इटावा जिले में विजय प्रताप सिंह नाम के एक दारोगा का उनके ही महकमे के अधिकारियों ने भिठौली थाने में ट्रांसफर कर दिया, जिससे विजय प्रताप सिंह इतने नाराज हुए कि उन्होंने इटावा से भिठौली यानी कि 65 किलोमीटर तक पैदल दौड़ लगाने का फैसला कर लिया। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो बेहोश हो गए और आनन फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उनका इलाज किया गया। होश में आने के बाद उन्होंने बताया कि आरआई की तानाशाही की वजह से उनका ट्रांसफर किया जा रहा है, जो कि गलत है, जबकि एसपी साहब ने उन्हें यहीं इटावा में ही ड्यूटी करने का आदेश दिया है। विजय के बयान देने के बाद पुलिस के बड़े अधिकारी हरकत में आए और उन्होंने फौरन इस मामले में जांच के आदेश दे दिए। वेब 23 न्यूज के लिए राहुल की रिपोर्ट।